पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर इसके शादी के समय बहुत छीछा लेदर हुई थी आपके पूरे परिवार की। चलिए राम जी ने एक मौका और दिया है आपको, मीनी की शादी में कोई गड़बड़ ना हो। बहन जी, हम सबके लिए भी मिनी बेटी जैसी है, इसकी शादी में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, दिल जान लगा देंगे। बस भाई साहब, आपकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होगा। क्या है ना कि हमारे विक्की बेटे की शादी के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें आपकी मिनी एकदम पाए लगी। और फिर हमने ये सोचा कि परिवार की गलतियों को बेचारी वो क्यों भुगते, इसीलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया हमने। सीरियसली गाय, अगर गाय चाहिए थी तो गाय से ही शादी करा लेते ना, ये अपनी विक्की की। आंटी जी, हमारी मिनी तो ऐसी है कि आप शादी के बाद खुद कहेंगी कि आप कितनी लकी हैं कि राम जी ने आपको मिनी जैसी बहू दी। वाह बेटा, वो कहावत है ना कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। अब तुम इस परिवार की नई नई बहू बनी हो तो कुछ खुशफहमियां तो होगी तुम्हें भी, लेकिन एक बात जान लो, हमारे परिवार की बहुत इज्जत है समाज में, पूरा परिवार एक साथ रहता है। और बेटियां तो अपने ससुराल में ऐसे रच बस गई है जैसे घर में मेज कुर्सी अलमारी। अरे भाई, आखिर उन्हीं से तो घर घर बनता है। What? मेज कुर्सी? तो ध्यान रहे, हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो गलती एक बार आपका परिवार कर चुका है ना, वो हमारे बेटे की शादी में ना हो। देखिए, व्यवहार वाली बात तो है, हैं? गोलू, इनके साथ एक वार्निंग इश्यू होनी चाहिए कि इनसे बात करना सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही। देखिए, माँ ने कहा है कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तो बस नहीं होनी चाहिए। अरे तू वही हो ना, हमारी बहू सलोनी वाली। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ उधर काहे खड़ी हो, अरे आओ आओ हमारे पास बैठो, ऐसे सर को ना थोड़ा, आओ हमारे पास बैठो, थोड़ा सेल्फी भी लेंगे, आओ आओ। अरे फोन दे अपना। जी मां, ले ला। अपनी सहेलियों को दिखाएंगे, बड़ा नाम होगा हमारा। गुलू, इन्हें लगता है हीरोइन के साथ बैठेंगे ना तो खुद सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लोग इनके लिए रेड कारपेट बिछा कर इनको रिबन कटिंग और इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे। देखो देखो देखो, आप बैठिए आंटी। अरे अरे बैठो ना। हाँ बैठो। अब सेलिब्रिटी बहू आ ही गई है तो इनके कंधे पे चढ़ के थोड़ा ढोल हम भी पीट ले नाते रिश्तेदारों के बीच। बहन जी, अब तो आपका पूरा परिवार जमा है और आपके हीरोइनी बहू भी है तो शादी की रस्मों में एकदम चौतरफा धूम मचनी चाहिए। वो आपके टीवी सीरियल में होता है ना, सगाई के पहले नाच गान, तो यहाँ भी मतलब भौकाल मचाया जाएगा। व्यवहार वाली बात तो है तो फिर हो जाए, लड़की वाले और लड़कों वालों के बीच नाच प्रतियोगिता। गुड आइडिया आंटी, एक्चुअली हम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, राइट? अरे नहीं नहीं, ये नाच गाना हमसे नहीं होगा सलोनी बेटा। मम्मी, हाँ ये सब मुझे भी नहीं आता। तो सीख लीजिए ना, उसमें क्या है, माँ ने कहा है डांस कंपटीशन होना चाहिए तो बस
होना चाहिए। तो समधी जी, बस अब आज्ञा दीजिए, क्या है भतेरी तैयारियां भी करनी है। बहुत अच्छा लगा आप सब आए। नमस्ते। मन तो कर रहा है धर दे तुम्हें एक, पर मारा भी अपनों को जाता है, परायों को नहीं। यहां रहने की जिद थी ना तुम्हारी, तो अपनी जिद के लाने मिनी के ससुराल वालों को हमसे पूछे बिना तुमने यहां पर बुला लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना ये कदम उठाने की। अपना दिमाग और कान दोनों खोल करके सुन लो, हमारी मिन्नी की जिंदगी का सवाल है। अगर उसकी शादी में कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जानकी, जानकी ये बुरा क्यों चाहेगी? ये मन्नू की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा। इट्स ओके बड़े नानू, जानकी माँ ने मुझे पराया कहा, पर गुस्सा करके अपना भी बना लिया, क्योंकि ऐसे हक से गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है। गलत पेशा चुन लिया तुमने मौली, तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए था। लेकिन भूलो मत, इस घर की जज जानकी माँ है, उन्होंने जो फैसला सुना दिया है ना, उसे काटने की कोशिश भी मत करना। मनीषा, मौली जो कुछ भी कर रही है मेरे लिए कर रही है, वो अपनी जिद के लिए नहीं, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए यहां पे रुकना चाहती है, क्योंकि मैं चाहता था कि यहां आकर आप सबसे अपनी गलती की माफी मांग सकूं, अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। चारों भाई फिर से एक हो जाए और ये मेहंदी वाला घर फिर से पहले जैसा हो जाए। ये जो महानता की मूरत बनने की तू कोशिश कर रहा है ना, अब ये भी बता दे कौन सा उल्लू सीधा करने आया है। कोई तो गोटी फंसी होगी, वरना बिना किसी मतलब के तू यहां वापस कभी नहीं आता। डॉक्टर मनोज, वैसे भी यहां पर सगे रिश्तों से बढ़कर सबने सिर्फ अपना अपना मतलब देखा है। ये आप कह रही हैं जीजी, और जो हमने परिवार के लिए किया उसमें ना तो हमारी कोई गरज थी और ना ही कोई मतलब। वाह अग्रवाल परिवार, वाह। आप सबको अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता ना, मेरी शादी के टाइम भी और उसके बाद भी आप सबको सिर्फ अपनी पड़ी थी। आज जब मौका मिनी की शादी का है तब भी आप सबको सिर्फ अपना रोना रोना है। जो कुछ भी हुआ अगर उसमें किसी का भी नुकसान हुआ है तो वो हूँ मैं। आप में से किसी का भी रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। जब यहाँ रहते थे तभी भी ऐश से जी रहे थे, जब यहाँ से चले गए तभी भी तो मजे से ही रह रहे हैं ना सब।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।